विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। आज हम सीखेंगे विद्युत का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, विद्युत का आविष्कार कैसे हुआ तथा विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत को हम हमारे दैनिक जीवन में पावर, बिजली, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे कई नामों से जानते हैं। अगर हम 21वीं शताब्दी के किसी शहर की कल्पना करें तो वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई प्रतीत होगा। विद्युत हमारे चारों ओर है, एक छोटे से बल्ब से लेकर के एक किसी बड़े से बड़े कारखाने को चलाने तक। अगर हम यूं समझें कि अगर विद्युत आज हमारे जीवन में नहीं होती तो क्या होता, आप भी शायद कुछ इस तरीके की परिकल्पना पर पहुंच गए होंगे जहां पर हम हमारी रोजमर्रा के कार्यों के लिए विद्युत के बजाय अन्य ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर क्या आप सोच सकते हैं कि जब हम इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे तो हमारे लिए विद्युत की प्रेरणा क्या रही होगी? हम कहां से सोच पाए होंगे कि हम विद्युत को और बेहतर तरीके से हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या वो कारण रहा होगा जो हमें विद्युत के इस स्तर पर उपयोग तक ले गया होगा? अगर आप वीडियो को 2 मिनट रोक करके सोचेंगे तो शायद आप भी इस परिकल्पना पर पहुंचे। अक्सर हम बारिश के मौसम में ये देखते हैं कि आकाश में जोर से आवाज आती है और एक लाइटनिंग सी होती है। इसको समझने के लिए सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक मजबूत पतंग पर धातु की एक छड़ को लगा करके बारिश के मौसम में उड़ाया। उन्होंने पतंग के धागे के दूसरे सिरे पर एक धातु की चाबी को बांध दिया तथा उसके आगे हाथ में एक सिल्क की डोरी को लेके खुद एक झोपड़ी में छुप गए ताकि उनके हाथ की डोरी पर पानी की बूंदे ना आए। कुछ समय पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह देखा कि पतंग के धागे के कुछ हिस्से ऊपर उठ चुके हैं तथा जब धातु की चाबी के पास वो अपना हाथ लेकर के गए तो उन्हें एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। उन्होंने अपने इस प्रयोग से यह साबित किया कि तूफान के समय आसमान में उपस्थित बादलों से धातु की छड़ पर नकारात्मक आवेश एकत्रित हुआ जो कि वर्षा के पानी की वजह से पतंग की डोरी से होता हुआ धातु की चाबी पर एकत्रित हो गया, जिसके कारण आवेश युक्त धातु की चाबी के पास हाथ ले जाने पर हल्का सा झटका यानी इलेक्ट्रिक शॉक महसूस हुआ। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस प्रयोग ने विद्युत को समझने में एक नई दिशा दी, लेकिन यह प्रयोग बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक साल पश्चात जब एक वैज्ञानिक ने यह प्रयोग दोहराने की कोशिश की तो उस दौरान उनकी धातु की छड़ पर बिजली अर्थात लाइटनिंग गिरने की वजह से बहुत तेज विद्युत प्रवाहित हुई और उनकी उसी स्थल पर मृत्यु हुई। अतः इस प्रयोग को कभी भी दोहराने की कोशिश ना करें। इस आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश को क्यू से दर्शाया जाता है तथा विद्युत धारा को आई से, और समय को टी से दर्शाया गया है। अगर हम विद्युत तार को यहां से काटें और देखें कि 1 सेकंड में यहां से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस विद्युत तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आवेश के मान में वृद्धि से कुल विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है तथा समय के बढ़ने से विद्युत धारा के मान में कमी। जैसे कि अगर हम समझें कि अभी यहां से 2 आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, अगर हम इसकी संख्या को बढ़ा के 4 कर दें तो विद्युत धारा का मान दुगना हो जाएगा,
अतः हम कह सकते हैं कि आवेश का मान बढ़ाने से विद्युत धारा का मान बढ़ता है। अब अगर हम देखें कि वही आवेश अगर पहले के बजाय तेजी से गति करने लगेगा तो इसे यहां से गुजरने में कम समय लगेगा और समय के कम होने से विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत तार से बहने वाले अगर आवेश को बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा में वृद्धि होती है, तथा अगर आवेश के बहने की दर को बढ़ाया जाए, अर्थात अगर आवेश को बहने में लगने वाले समय को कम किया जाए तो विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। तो हमने सीखा कि विद्युत हमारे दैनिक जीवन में किस तरह उपयोगी है, विद्युत धारा का आविष्कार कैसे हुआ, किस तरीके से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो प्रयोग किया तथा हमें विद्युत की प्रेरणा मिली, तथा हमने देखा कि किस तरीके से विद्युत किसी तार में बहती है तथा हम किस तरीके से उसको चार्ज तथा समय के द्वारा नाप सकते हैं। हमने विद्युत धारा का समीकरण भी समझा, जिसे कि हम I बराबर Q पॉन T की तरह समझ सकते हैं। तो अब हम हमेशा की तरह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले दो शब्द सीखेंगे। पहला शब्द है रेजिस्ट। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना या किसी चीज के लिए मना करना। दूसरा शब्द है इंसिस्ट। ये सुना ही ठीक उस तरह से देता है, पर इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना किसी बात के लिए, किसी को मनाने के लिए। जब हम जोर देते हैं तो हम उसे बोलते हैं इंसिस्ट करना। तो रेजिस्ट का मतलब विरोध करना तथा इंसिस्ट का मतलब किसी बात के लिए जोर देना। उम्मीद है कि इस वीडियो के द्वारा आपको विद्युत तथा विद्युत धारा के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। इस वीडियो के द्वारा हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।